मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यजीद बिन माविया की कब्र पता करके आपको दिखाऊं। इन्होंने कहा कि यजीद की कब्र है लेकिन नाम माविया का लिखा हुआ है। एक शख्स की दो दो कब्रें कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। पतली पतली गलियां, तंग तंग गलियां लेकर आखिर हम पहुंच ही गए। ये खुफिया रखा गया है ताकि भाई जो है ना लोग आके यहाँ पे तुहीन ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दरूद अस्सलाम मोहम्मद बारे मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम मैं आया हुआ हूँ सीरिया के अंदर। ये सीरिया का एरिया है जहाँ पे इस टाइम मैं घूम रहा हूँ और ये ईसाइयों का टोटल एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर आपको हर किस्म के लोग भी देखने को मिलेंगे। उनका गिरजाघर है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यजीद बिन माविया की कब्र पता करके आपको दिखाऊँ। तो आज वहीं ढूंढने के लिए मैं इस एरिए के अंदर आया हुआ हूँ। ये एरिए के साथ यजीद का दरबार भी है थोड़ा सा आगे। पतली पतली सी गलियाँ लेके हम जा रहे हैं यजीद बिन माविया की कब्र देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। जिससे पूछो वो ऐसे मुंह बना लेता है, बताता ही नहीं है कब्र। आप पता नहीं क्यों नहीं बताता, उनका पूरा एरिया है लेकिन कब्र कोई नहीं बताता। तो ये पतली पतली सी गलियां लेकर हम चल रहे हैं सीधा आगे की जानी। ये हैं जी बाजार शाम की गलियां, आप देख रहे हैं। ये सीरिया कहलाता है, दमिश्क का एरिया। ये देखें कितनी पतली पतली तंग तंग सी गलियां हैं। ये देखें ये भी गली जा रही है। ये देखें जी इस तरह के रास्ते लेकर मैं जा रहा हूँ यजीद बिन माविया की कब्र देखने के लिए और उसको दिखाता हूँ आप लोगों को कि उसका क्या हाल हुआ। जो उस वक्त के बादशाह बने बैठे थे आज उनका क्या हाल है, और उस वक्त जिनको कैदी बनाया था मतलब अहल बैत को, उनके रोज़े तो आपने देखे, मैंने आपको दिखाए। इतने लोग हर वक्त भरे हुए होते कि पाँव रखने की जगह नहीं। सलाम, कैसा हाल हुआ? अच्छा, ये यजीद बिन माविया कब्र मौजूद यजीद बिन माविया कब्र गो कमान है। आप खैर, ये ना सही तो कोई और ही सही। हम पैसे दे के ही किसी ना किसी से पूछेंगे और पहुंचेंगे वहां पर। ये जो खंडरात हुई खड़ी है ना, बड़ी बड़ी हवेलियाँ आपको, ये उमैया ख़ानदान कहलाता है। यजीद का कौन सा ख़ानदान कहलाता है, ये उन्हीं की तकरीबन हवेलियाँ। ये तब से मतलब ऐसे ठहर गई है, कुछ पहले रिपेयर होती रही हैं, अब लेकिन इस हालत में कुछ ना कुछ ठहरी है। इस तरह की गलियाँ लेके मैं जा रहा हूँ सिर्फ रिसर्च करने के लिए, आप भाइयों के लिए, ताकि आप उसका हाल देख सकें, उसकी कब्र का, और आप यजीद को लानत भेज सकें, उसका अंजाम देख सकें जो उस वक्त के बादशाह थे, आज उनका क्या हाल है। अच्छा जी, एक भाई की हेल्प लेके हम जा रहे हैं, तो पतली पतली सी गलियों के अंदर लेके जा रहे हैं। हमें तो इन ये पूरा मोहल्ला बनी कौन सा है, अच्छा मकान है, ये बनी उमैया है क्या है? अच्छा जी, ये जो यजीद की दरबार है ना, ये उसका गेट है, आपको नज़र आ रहा है, और इसके चार दरवाजे। ये मैं उसके पीछे वाले दरवाजे में आ गया, ये पीछे वाले दरवाजे का देखें आप हाल, ये पीछे वाला एरिया सारा। अच्छा, आपको मज़े की बात बता दूं कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि यजीद की कब्र का कोई पता नहीं है और माविया की कब्र के नाम से बोला जाता है कि भाई ये वो कब्र है यहाँ पर और कोई नहीं है। हालाँकि होता ये है, आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि यहाँ पर यजीद की कब्र थी और माविया की कब्र वो दूसरी जगह पे थी। तो दूसरी जगह पे जहाँ पे थी वो मैंने आपको अपने पिछली वीडियो के अंदर दिखा दिया है सारा कुछ, और आपने देख भी लिया है और वो सारा हालात भी देखे हैं, ठीक है ना। लेकिन इस जगह के ऊपर इसको कहा जाता है कि माविया की कब्र है, पहले ये यजीद की कब्र थी, यजीद की कब्र थी
लोग आते थे यहाँ पे, तो यहीन करते थे, थोड़ा सा इस तरह का मसला होता था। फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब कुछ ऐसा किया जाए जिसके अंदर ये इस तरह का मसला ही ना हो। फिर यजीद की कब्र का नाम निशान भी बिठा दिया था, फिर भी लोग पूछते पूछते आ जाते थे, वो कहते थे हाँ इसी जगह पे दफन है। लेकिन इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भाई अब इसको नाम ही चेंज कर दो ताकि कोई तो ही नहीं करे, इसलिए अब इसका नाम हज़रत माविया रख दिया गया। ये मुझे भाई ने बताया जो मेरे आगे चल रहे हैं। ये यहीं के मकामी हैं और पिछले पता नहीं कितने साल से यहीं पर रह रहे हैं। ये देखें गलियाँ चेक करो, इस तरह की गलियाँ ले लेके मैं जा रहा हूँ। ये बिल्कुल दरबार यजीद जो है ना आगे, ये उसके साथ का एरिया है। ये मोहल्ला बनू उमैया कहलाता है। ये यजीद की दरबार के बिल्कुल पीछे वाक़ है और हैरत की बात ये है कि ये आज भी यजीद के नज़रिए को फॉलो करते हैं। इस मोहल्ले में आज भी बहुत सी फहाशी देखने को मिलती है। यहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी लेकिन हमने डर डर के वीडियो बना ली। ये है वो मकाम जहाँ पर यजीद बिन माविया की कब्र है। ये देखें जी, अच्छा ये यजीद की कब्र है जिसे माविया बिन अबू सुफियान का नाम दिया गया है। हालांकि यही कब्र यजीद बिन माविया की है जो आप इस टाइम देख रहे हैं। जैसे ही हम कब्र के नज़दीक पहुंचे तो यहां पर हमें रोका गया कि अंदर ना जाएं और ऊपर लगी खिड़कियों से औरतों की आवाज़ें आने लगीं कि कौन है अरबी में बोल रही थीं। फिर हमने खामोशी से थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि आपको दिखा सकें उस दौर में जो वक्त के बादशाह बने फिरते थे, आज उनकी कब्र का हाल देख लें कि किसी को पता ही नहीं कि यजीद की कब्र कहाँ है। और कब्र पर वीरानी देखें कि लानत बरस रही है सुबह शाम। जिस ताज के लिए यजीद ने इतने सितम किए वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल था। यजीद तेरा तख्त तो ताज दो घड़ी का था, है आज भी दिलों पे हकूमत हुसैन की। ओके 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 हाजी नो नो चल शुक्र। ये देखें ऊपर घर ना लो मरा ना सिवे दरवाजा बंद है वो भाई कोई चीज नहीं है वो ऐसे अंदर है। आओ इधर वो बाहर से दे। अच्छा मजार है लेकिन मैं वो देव को चप्पल ना देव ये ठीक है। ये क्या है? हादा कुब्बा कोई चीज़ नहीं है। कुब्बा तबा कब्र है। किसके कब्र है? कुब्बा तबा हादा बस कब्र हुई है बस सवे तक कुब्बा है। कब्र यजीद मालूम यू हुआ है वो हाँ जो है सवर लाख के कब्र में जुआ हादा वो ये किसके लक हादा कब्र यजीद हादा वो हाँ कब्र कब्र कबीर जो हुआ हूँ कबीर है वो शब यतला है यतला है का शिबक सवर लाख सवर लाख कब्र में जुआ। ये अरबी लड़के मुझे कह रहे थे कि आप अपना मोबाइल दिखाएं, हम ऊपर से आपको वीडियो बनाकर देते हैं। अगर मैं इनको अपना मोबाइल दिखाता तो ये ऊपर ऊपर से अपने घरों की तरफ निकल पड़ते और मोबाइल मेरा लेकर भाग जाते। चलते हैं। ये दरवाजा खोला नहीं है बंद है तुम्हारा किस्मत है ये दरवाजा खोला है इसलिए। हाँ ये दरवाजा बंद होता है बंद तो ये देख रहे जी। अच्छा ये कहा जाता है कि ये हज़रत माविया की लिखा हुआ है माविया बिन अबू सुफियान। ये मतलब कहा जाता है कि ये माविया की कब्र है, हालांकि ये यजीद की कब्र है। ये मैंने अंदर से भी आपको दिखाई है, आपने देखी भी है। पीछे घर हैं जो आवाज़ें देने शुरू कर देते हैं। हाँ भाई कौन है? ठीक है मैं तो लानत भेजता हूँ यजीद लानत यजीद के ऊपर।
ये जी ऊपर यहूदियों के घर होते थे, पता नहीं किसके थे, अब ये कह रहे हैं कि खाली हैं सारे। ये जी यजीद का दरबार है सामने, और इसी दरबार के बिल्कुल सामने आप ऐसे चले जाएं, थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक आपको ऐसा लगेगा जैसे पत्थरों का कुछ बना हुआ है, उससे पहले ही एक गहरी के अंदर इस साइड पे मतलब वो जा रहा है, रास्ता जा रहा है, उस रास्ते को ऐसे लेके जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, घूमने के बाद आगे जो है ना एक घर के अंदर यजीद की कब्र, कब्र मतलब आपको यजीद की देखने को मिलेगी, जिसे मवे का नाम दिया गया लेकिन वो गलत दिया हुआ है, मैंने आपको उसकी वीडियो पहले दिखाई हुई है। ये देखें ये दरबार यजीद, ये देख रहे हैं दरबार यजीद के इस गेट के ऊपर और इस जगह के ऊपर शायद आपको भी ना आए हो, ये वो जगह है, ये देखें दरबार यजीद का महल का ये गेट उस वक्त खुलता था, इस साइड पे जाते थे सब, ये पूरी की पूरी एरिया, अब यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं, पिक्चर बनवाते हैं और पिकनिक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं आता, इसके दूसरा गेट है, हम वहाँ पे आते हैं तकरीबन। हेलो, तो ये तरीक़ाकार है जी, यहाँ का ये माहौल है, ये है जी मुकम्मल का मुकम्मल दरबार यजीद का एरिया, और इसके पिछले गेट के ऊपर हम आए हैं, लेकिन इस गेट के ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आ रहा हूँ, तो ये बहुत ही बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ है, और उस साइड पे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, ये रास्ता ऐसे यूं भी जाता होगा ना, उस तरफ में जा रहे हो, अच्छा दरवाज़ा इस तरफ में है, दरवाज़ा उस तरफ में है, अच्छा मतलब चार दरवाजे हैं, अभी एक दरवाज़ा खोला है, सही उस तरफ सीधा, ये जी हम चल रहे हैं यहाँ से, और ये सीधा जो है ना पिकनिक एरिया कैफे बोल लें, ये मतलब जितने भी आप सीन बोलें ना आप इधर देखने को मिलेंगे। इन भाइयों ने हमें जो दिखाया है ना, यकीन माने मैं इनका एहसान नहीं बोल सकता, इन्होंने बड़ी मेहनत की है मेरे साथ चले, वरना चलने के लिए कोई तैयार नहीं था, दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं था, डरते थे सारे, वो कहते छोड़ो, पहले तो कहते थे यजीद की कब्र का किसी को पता ही नहीं है, फिर बाद में एक इन्होंने कहा कि यजीद की कब्र है लेकिन नाम माविया का लिखा हुआ है, माविया बिन अबू सुफियान, मतलब बेटे का नाम नहीं लिखा हुआ, बाप का नाम लिख दिया, और क्यों लिखा है, इन्होंने कहा कि भाई उधर तोहीन करते थे यजीद की कब्र पे जाके लोग, फिर जो है ना इन्होंने कहा कि भाई तोहीन ना हो, नाम चेंज कर दो, माविया बिन अबू सुफियान लिख दो, तो इस तरह का मतलब नाम लिख दिया गया, हालांकि नाम तो माविया बिन अबू सुफियान की कब्र तो मैंने आपको पहले दिखाई है, वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने वाजह तौर पे आपको दिखाई है, तो फिर यहाँ पे कैसे आ गई, एक शख्स की दो दो कब्रें कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, लेकिन यहाँ पे बनाई हुई थी सिर्फ इसीलिए इन्होंने कहा है इनके बगो कि भाई तो हिन ना करें, और यहीं यजीद की कब्र है जो मैंने दिखाई, और अंदर गए, अंदर जाके हमने देखा, वो पैसे भी बच्चों को हमने दिए ताकि वो हमें सही जगह पर ले जाए। देखिए आपने वक्त के बादशाह, एक दौर में बादशाह था और उसका हाल देखा आपने, उस वक्त इमाम हुसैन के साथ बीबी ज़ैनब सलाम ला रहा है, और मतलब सादात के साथ इसने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या जुल्म व सितम किया, आज उसका हाल देख के आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि उस वक्त जिसके पास इतनी ताकत थी आज उसके साथ क्या हुआ है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस सीरिया कंट्री के अंदर अहले तशी की 7% आबादी है, तकरीबन 20% के करीब ईसाई हैं यहाँ पर, और बकाया यहूदी हैं, यहाँ ईसाई है मतलब। यजीद की कब्र को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए, मैं यकीन जाने पिछले कुछ 2-3 दिन से इसकी कब्र को ढूंढ रहा हूँ, अभी जाके मुझे ये शख्स मिला, इसका पूरा तारुफ तो नहीं करवाना चाहता, उसने कहा वीडियो में मुझे डाल दो, कोई डर नहीं है मुझे, पतली पतली गलियां, तंग तंग गलियां लेकर आखिर हम पहुंच ही गए। तो सीरिया के लोग भी बड़े तेज़ हैं, वहाँ पे वो मुझे शख्स बता रहा था कि दरवाज़ा तो बाई चांस खुला हुआ था हमारे लिए, हम अंदर भी चले गए, अंदर की वीडियो भी बना ली, उसने कहा मैं दरवाज़े पर ठहरता हूँ, ये ना हो कि ये डोर बंद कर दें बाहर से और उसके बाद फिर कोई मसला करें या कुछ भी करें, तो उसने फिर जो है ना जल्दी जल्दी जाके डोर के ऊपर ठहरे, और फिर मुझे कहता है वीडियो ममनू, फिर मैंने उनको पैसे दिए, पैसे देने के बाद उसने जाके कहा कि ठीक है आप बनाओ वीडियो, अच्छा उसके साथ ही खिड़की के अंदर से आवाज़ आती है, आवाज़ आने के बाद वो कहता है कि भाई जो है ना मैं नहीं आना चाहिए आपको, तो वो फिर उसको भी उसने कहा भाई टेंशन ना लो मैं हूँ,
तो मतलब वो भी पैसे लेने के लिए तैयार थी, और खातून थी कोई, वो खिड़की के अंदर से मतलब वो भी आना चाह रही थी। तो मतलब इस तरह के सीन थे, देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। और वहाँ पे जाना एक यकीन माने चैलेंज था यजीद की कब्र का, इसीलिए मतलब ये खुफिया रखा गया है ताकि भाई जो है ना लोग आके यहाँ पे तोहीन ना करें, लोग आए ना यहाँ पे। और हुकूमत की तरफ से भी पाबंदी है कि यहाँ पे कोई ना आए और कोई वीडियो शीडियो ना बनाए। आपको यजीद की कब्र दिखाई, आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस भाई ने बोला कि जो है ना हम सेल्फी आपके साथ बनवाते हैं, ये यहाँ के पुलिस है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बाय बाय।